हेलो एवरीवन, भी क्वेश्चन इज जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट माइनस वन कॉमा माइनस रूट थ्री बाई टू कॉमा टू माइनस टू कॉमा फाइव बाई टू फॉर्म्स एन ए पी एज ए टू माइनस ए वन इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू। हम यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ए पी दिया है, यहाँ से क्या माइनस वन दिया है कॉमा माइनस में थ्री बाई टू दिया है कॉमा माइनस टू दिया है और यहाँ पे क्या फाइव बाई टू दिया है। तो हमें क्या बोल रहा है कि चेक करना है कि ए पी की फॉर्म क्या होता है, ए टू माइनस ए वन होता है। ए वन इक्वल ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा ए फोर डैस डैस ए किस में है, ए पी में है। तो हम यहाँ से डी की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी, डी हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा क्या ए टू माइनस में हो जाएगा ए वन और यहाँ से क्या हो जाएगा ए थ्री माइनस में का ए टू। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, टू कंजिक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस होता है। तो इसको हम यहाँ सिमिलरली इसको आगे वैसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो जब यहाँ से इसको हम सॉल्व करें ए टू माइनस ए वन मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा थ्री बाई टू हो जाएगा और माइनस ऑफ क्या वन आ जाएगा और ए थ्री माइनस ए टू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में क्या थ्री बाई टू हो जाएगा। तो जब यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में थ्री बाई हो जाएगा टू प्लस वन और ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा टू और प्लस में क्या आ जाएगा थ्री बाई टू। तो जब यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा डी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या माइनस में क्या वन बाई टू आ जाएगा। और इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस में वन बाई टू हो जाएगी, फोर माइनस फोर प्लस थ्री क्या माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ से सॉरी तो क्या आ रहा है, यहाँ पे इक्वल आ रहा है। इट मीन्स क्वेश्चन हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था कि जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट फॉर्म ऑफ ए पी, मतलब कि हम क्या कह सकते हैं स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, हम इसको क्या एज ए पी राइट डाउन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज ट्रू।